हेलो फ्रेंड्स, पुरुषों के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली बात क्या होती है क्या आपको पता है? बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली सिर्फ एक ही बात होती है पुरुषों के अंदर, और वो होती है तन की दुर्गंध। पूरा दिन काम करने की वजह से, धूप में पसीना बहाने की वजह से उनके शरीर से कई बार दुर्गंध आने लगती है, जिसकी वजह से वो खुद तो परेशान होते ही हैं और अपने आस पड़ोसियों को भी परेशान कर देते हैं। इसीलिए मैं आपके दोस्त लेकर आई हूँ कि पुरुषों को कैसे सुगंधित शरीर देकर उनके लिए ग्रूमिंग टिप्स को आप आजमा सकते हैं। नंबर 1, बैक्टीरिया रोधी साबुन का इस्तेमाल करें। जी हाँ, अगर आपके शरीर से ज्यादा बदबू आती है जिसकी वजह से आपको बहुत पसीना भी आता है, तो आपको बैक्टीरिया रोधी साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके शरीर के अंदर बैक्टीरिया कम उपजेंगी, जिसकी वजह से पसीना आने पर भी बदबू बहुत कम आएगी। नंबर 2, सूती कपड़ों को पहनना ज्यादा प्रेफर करें। अगर आप सूती टी शर्ट या फिर शर्ट का प्रयोग करते हैं तो आपको पसीना कम आएगा, क्योंकि सूती कपड़े जल्द ही पसीना सोख लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बदबू भी नहीं आती। नंबर 3, अपने अंडरआर्म्स को बिल्कुल साफ रखें। महिलाओं की तुलना में पुरुषों के अंडरआर्म्स के बाल ज्यादा होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा बदबू पैदा करते हैं। इसीलिए आप एक दिन के अंदर 2 या 3 बार अपने अंडरआर्म्स को अच्छी तरीके से साफ जरूर करें। टिप नंबर 4, जुराबों को रोजाना बदलें। जी हाँ, कई बार पसीने की वजह से हमारे मोजों से भी बहुत ज्यादा बदबू आने लगती है, जो हमें बहुत परेशान करती है। इसीलिए अगर आपके मोजों से भी बदबू आती है, तो सबसे पहले तो अपनी जुराबों को रोजाना बदलें, और दूसरा अपने पैरों की सफाई अच्छे तरीके से करें। सो फ्रेंड्स, ये थे पुरुषों के शरीर को सुगंधित बनाने के लिए कुछ ग्रूमिंग टिप्स। आप इन टिप्स को आजमाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।